नगर परिषद सुजानपुर के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों के प्राकृतिक जल स्त्रोत, कुएं और बावड़ियों सभी का जीवनोद्धार किया जाएगा। शुरुआती दौर में प्रत्येक वार्ड में एक एक प्राकृतिक जल स्त्रोत को संवारने की जिम्मेदारी पार्षदों को दी गई है। ये फैसला नगर परिषद सुजानपुर की विकास कार्यों को लेकर आयोजित बैठक में मंगलवार को लिया गया। बैठक में नगर परिषद कार्यालय की मीटिंग हॉल में आयोजित की गई। बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष बीना दीमान, उपाध्यक्ष पवन कुमार के साथ सभी पार्षदों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। बैठक में नगर परिषद अधिकारी संजय कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सभी पार्षदों ने प्रस्ताव डालकर सहमति जताई, जिसमें शहर के अंतर्गत आने वाले सभी प्राचीन चबूतरों की कायाकल्प की जाएगी, जिनके जीर्णोद्धार को लेकर बकायदा उचित कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ साथ शहर के पुराने प्राकृतिक जल स्त्रोतों को संवारने का काम भी शुरू किया जाएगा। शहर के वार्ड नंबर 3 और 4 में बीपीएल सर्वे को लेकर जो आपत्तियां दर्ज की गई हैं, जिस पर शीघ्र ही इन वार्डों में बीपीएल सर्वे करके जरूरतमंद परिवारों को इस श्रेणी में डाला जाएगा। बैठक में शहर में बनने वाले टाउन हॉल की प्रस्तावना, जिसे लोक निर्माण विभाग द्वारा नगर परिषद को भेजा गया था, जिस पर टाउन हॉल किस तरीके से बनना चाहिए, यहाँ किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, तमाम बातों को लेकर प्रस्तावना भेजी गई थी, जिसका बैठक में सभी पार्षदों ने निरीक्षण करने के बाद इसे स्वीकृति प्रदान की। बैठक में शहर में जहां जहां लाइटें नहीं लगी हैं, वहां पर लाइटें लगाने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही शहर में लोगों को बैठने के लिए बेंच इत्यादि लगवाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक में भवन निर्माण को लेकर भी नक्शे पास किए गए। नगर परिषद की बैठक हुई, इसमें जो था मेन जो हमारा टाउन हॉल की प्रस्तावना का था, उसमें जो लोक निर्माण विभाग द्वारा जो टाउन हॉल के निर्माण की जो ड्राइंग की प्रस्तावना भेजी थी, उसे नगर परिषद ने अप्रूव कर दिया है। इसके अतिरिक्त शहर के जितने भी बावड़ी कुएँ हैं, उनको चरणबद्ध तरीके से जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त शहर में जो अब जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो लोग टैलों इत्यादि के नीचे बैठते हैं, तो उनका चरणबद्ध तरीके से नवीनीकरण और जीर्णोद्धार करने का जो है निर्णय नगर परिषद द्वारा लिया गया। इसके अतिरिक्त शहर में लोगों को बैठने हेतु सुविधा हेतु विभिन्न स्थानों पर जो है बेंच लगाने का निर्णय लिया है। स्ट्रीट लाइट के नए खंभे क्रय करने का जो है निर्णय इस बैठक में लिया गया है। आज जो जहाँ तक आपने नक्शों का प्रश्न किया है, आज नगर परिषद में जो है जो 8 नक्शे आए थे, उनको नगर परिषद द्वारा जो स्वीकृति प्रदान की गई है। पुरातत्व विभाग के अधीन होगी, तो उनका मौके के अनुसार देखा जाएगा। अदरवाइज शहर में और भी कई कुएं हैं और जो बावड़ियाँ हैं, उनका मौका निरीक्षण करने पर उनका एस्टिमेट तैयार कर जो है इनका प्राकलन तैयार कर कार्य को करवाया जाएगा।